नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना वेब न्यूज चैनल प्रीम पावर हंटर। करते हैं शुरुआत आज की प्रमुख खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के डिंडोरी से। राशि के अभाव में खंडहर हो रहे लाखों की लागत के निर्माणाधीन भवन। जिले के अंतर्गत दर्जनों की संख्या में निर्माणाधीन भवन आधे अधूरे पड़े हुए हैं, जो ठेकेदारों की लापरवाही या फिर राशि के अभाव में पूरे नहीं हो पाए। ऐसा ही एक मामला जिला मुख्यालय के नज़दीकी ग्राम किशलपुरी के मंगल भवन का है, जो पिछले 8 महीने से राशि के आवंटन की बाट जो हो रहा है। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे ने स्टाम्प शुल्क राशि से 20 लाख रुपये की राशि मंगल भवन के लिए प्रदान की थी, जिसमें से 10 लाख रुपये की राशि पंचायत को प्राप्त हुई थी, जिससे कार्य प्रारंभ किया गया था। आगे शेष राशि प्राप्त न होने के कारण मंगल भवन का कार्य अधूरे में ही छोड़ दिया गया। लंबे समय से कार्य बंद होने के कारण मंगल भवन में लगाया गया मटेरियल खराब होने की कगार पर आ गया है। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज के लिए डिंडोरी से प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। हाँ, पिछले समय में हमारे किशनपुरी ग्राम में जो मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जी थे, उन्होंने स्टाम्प शुल्क की राशि से 20 लाख रुपए से मंगल भवन के लिए यहाँ राशि दिया था। 8 महीने पहले आधा काम कराया जा चुका है। 10 लाख की राशि पंचायत को मिली थी, जिसका काम किया जा चुका है। शेष 10 लाख रुपए जनपद स्तर जिला स्तर से प्राप्त न होने से ये खंडर हो रही है और दरवाजे खिड़की सब खराब हो रहे हैं और इसका उपयोग नहीं किया जा सक रहा है। अगर ये राशि जल्द नहीं मिलती है तो ये खंडर हो जाएगा, खराब हो रहा है, इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। क्या अभी तक आपने किसी अधिकारी को आपने शिकायत की या फिर मंत्री जी हैं यहाँ पे, उनको कभी आपने इसके बारे में?